हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास, हम यहां पर एक नया क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे जिसमें आप बात करेंगे 2019 के क्वेश्चन पेपर की। तो अभी तक आपको काफी आइडिया आ गया है क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो स्टार्टिंग की जो बेसिक सी चीजें हैं वो आप जानते हैं, जैसे कि टाइम हो गया है, जैसे कि पेपर कितने मार्क्स का आता है, जैसे कि इंस्ट्रक्शन आपको क्या क्या दिए गए हैं। ठीक है, अब आप जानते हैं कि सबसे पहले आपके पास एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है, चार ऑप्शन आपके पास आते हैं, सही विकल्प आपको क्या करना है, चूज करना है। एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से कैसे आपके पास आए हैं, उसके बाद यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, आंसर की बात करेंगे। तो सबसे पहले एमसीक्यूज में आपको पूछा गया है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में और आपसे कहा गया है कि उसका जीनोटाइप क्या होगा। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इन ह्यूमन बीइंग आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियो फॉर्म, यानी कि मानव में 1 महीने की सहगर्भिता के बाद भ्रूण में क्या बनता है, हार्ट, लिम्ब, फिंगर्स, आईलेट्स। ठीक है, नेक्स्ट आपको कहा गया पोमेटो इज सोमेटिक हाइब्रिड बिटवीन, यानी कि पोमेटो एक कायिक संकर है, किसके बीच में है, पोटैटो और टोमेटो के बीच में है, टोमेटो और पॉपी के बीच में है, पोटैटो और कॉटन के बीच में है, या टोमेटो और बनाना के बीच में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में एक परितंत्र के लिए ऊर्जा स्रोत है, यानी कि द एनर्जी सोर्स फॉर एन इकोसिस्टम इज, एटीपी है, ग्रीन प्लांट से सन है, या शुगर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट है। ठीक है, ये तो आपके एमसीक्यूज आ गए हैं जिन्हें आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब आपके पास क्वेश्चन आंसर आने शुरू हो जाते हैं जो एक एक नंबर के आपके पास आते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आया है, व्हाट इज एपोमिक्सिस, क्या है एपोमिक्सिस। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप पहले भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन है, आरएनए पॉलीमरेज का कोई एक कार्य लिखिए, कार्य आपको लिखना है बीटी विष किस विष जीवाणु द्वारा निर्मित होता है, बीटी विष किस जीवाणु द्वारा निर्मित होता है। अब आपको बीटी से ही इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जैव निम्नीकरण योग्य एवं जैव निम्नीकरण अयोग्य अपशिष्टों में कोई एक एक उदाहरण दीजिए, ये जनरल क्वेश्चन है, आपको पता है। नेक्स्ट आपको कहा गया है क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें आपसे पूछा गया है, वेयर एंड बाय विच द डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिशन ऑफ एन एम्ब्रियो टेक्स प्लेस इन विविपैरस एनिमल, विविपैरस एनिमल में कहां जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको कहा गया है, यौन संचारित संक्रमण के बचाव के कोई दो उपाय लिखिए। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आता है। नेक्स्ट है, प्रमोटर के कोई दो कार्य लिखिए, आपको प्रमोटर के कार्य लिखने हैं, और इसके अथवा में आपके पास आता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम को आप प्रीवियस जो आपका क्वेश्चन पेपर था उसमें आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। क्वेश्चन आपने देख लिए हैं, तो इसी प्रकार से आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे वो कितने आएंगे, 30 आएंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात की जाती है यहाँ पर। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपको कहाँ पे देखने को मिला था, जब आप बात कर रहे थे मेंडल्स के लॉ की। ठीक है, इसमें आपने क्या बात की थी कि आप एक ही कैरेक्टर को ले करके यहाँ पर क्रॉस करवा रहे हैं, एक गुण को ले करके आपने क्या किया, क्रॉस कराया। ट्रेट कितने थे आपके पास, आपने कहा 2 ट्रेट थे। तो आपने कहा कि यहाँ पर आपके जो जीनोटाइप और फिनोटाइप है, दो अलग अलग प्रकार के रेशियो आपके पास आते हैं। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल क्या लेते हैं, प्लांट हाइट ले सकते हैं, इसके अलावा आप और भी यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि आप बात करेंगे अगर सीड के कलर के, हम यहाँ पर थोड़ा अलग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आपने कहा आपने 2 प्लांट को सेलेक्ट किया था, मटर के 2 प्लांट हमने क्या किए, सेलेक्ट किए। उस प्लांट में एक तो प्लांट ऐसा था कि उसमें येलो कलर के सीड थे, कैसे सीड थे, येलो सीड थे। दूसरा जो प्लांट आपने लिया उसमें कैसे सीड थे, आपने कहा ग्रीन कलर के सीड थे। ठीक है, अब येलो कलर की सीड को आपने कैसे दिखाया, आपने कहा येलो कलर के सीड के लिए कैपिटल वाई रिस्पॉन्सिबल है, और ग्रीन कलर के सीड के लिए स्मॉल वाई रिस्पॉन्सिबल है। तो आपने 2 प्लांट को लिया है, कैरेक्टर सिर्फ एक ही है, वो है बीज का रंग, बीज का कलर। ठीक है, ये तो आपके क्या आ गए हैं, पेरेंट आ गए हैं, पेरेंट आ गए हैं। तो अब आप क्या बनाएंगे, अब आप गैमीट बनाएंगे। अब आपने कहा गैमेट तो 2 बनेंगे, लेकिन प्रकार क्या होगा इसका, एक ही होगा। ठीक है, ये आपके क्या बने हैं, गैमेट बने हैं। जी यहाँ पर आप इस प्रकार से लिख लेंगे, ये गैमेट आपके बने हैं।
अब गैमेट बने हैं तो आपने क्या कराया, क्रॉस कराया इनके बीच में, और आपके पास रिजल्ट आया कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जिसमें आपने क्या कहा येलो सीड आपको मिले। येलो क्या है, सीड है, ठीक है। क्या है ये, F1 जनरेशन है, जिसे आप पहली पीढ़ी कहते हैं। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि आप जीनोटाइप और फिनोटाइप बताइए, तो आपको यहाँ पर उतना समझ नहीं आएगा, क्योंकि सारे ही प्लांट्स आपको यही मिले, सारे ही पौधों में पीले बीज आपको देखने को मिले। तो फिर मेंडल ने क्या किया था, अब यहाँ पर मेंडल ने एग्जाम्पल प्लांट हाइट का लिया था, ठीक है, हम हर बार प्लांट हाइट के एग्जाम्पल को लेते हैं, इसीलिए हमने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, चलिए अब यहाँ पर क्या हुआ, जो मेंडल थे उन्होंने क्या किया, फिर F1 जनरेशन के बीच में क्रॉस कराए, ठीक है। ये मैं हटा दे रही हूँ, यहाँ पर रिजल्ट आपको पता है कि रिजल्ट आपका क्या निकला, तो जो F1 जनरेशन है उन्हीं के बीच में क्रॉस करा दिया गया है इस प्रकार से, ठीक है। ये है, अब इनके गैमेट बनेंगे, तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के गैमेट आपको देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई, यहाँ पर भी कैपिटल वाई और ये है स्मॉल वाई, ठीक है। क्या बने हैं, गैमेट बने हैं, किसके गैमेट हैं, F1 जनरेशन के हैं। अब क्रॉस करा दीजिए, आपने कहा आपके पास रिजल्ट आया कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब आप कहेंगे रिजल्ट आपके पास क्या क्या रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट को देखिए, आपने कहा ये है येलो, आपने कहा ये दोनों भी क्या है, येलो है, और लास्ट वाला आपने क्या कहा, आपके पास जो लास्ट वाला आया वो आपके पास आया ग्रीन। किसकी बात हो रही है, सीड की बात हो रही है, ठीक है, सीड की बात हो रही है, यहाँ पे बीज की हम बात कर रहे हैं। चलिए अब आपके पास चार संतति आई हैं, चार संतति में आपने कहा एक येलो है, ये दोनों भी येलो हैं, और ये तीसरा क्या है, ग्रीन आपके पास आया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे रेशियो निकालेंगे, तो रेशियो कैसे निकालेंगे, जीनोटाइप का मतलब है जीन की स्थिति कैसी है, जीन क्या है, होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, दो शब्द आपके पास आते हैं, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस का क्या मतलब है, होमोजाइगस का मतलब है जो जीन पेयर हैं वो दोनों कैसे हैं, समान हैं, एक ही ट्रेट के लिए उत्तरदायी हैं। जैसे कि होमोजाइगस में आप क्या कहते हैं, आपने कहा कैपिटल ए लिख देते हैं या स्मॉल ए लिख देते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर क्या बोला कैपिटल वाई है, जैसे कि आपने कहा स्मॉल वाई है, कैसे होमोजाइगस है। हेटेरोजाइगस में आपने कहा जो जीन पेयर है, जीन पेयर के जो एलील हैं वो अलग अलग ट्रेट के लिए उत्तरदायी हैं, डिफरेंट है दोनों, सेम नहीं है, जैसे कि आपने कहा कैपिटल ए स्मॉल ए है, जैसे कि आपने कहा कैपिटल वाई स्मॉल वाई है। क्लियर है इतनी बात। तो आपने कहा कि यहाँ पर हम जीन की स्थिति देखते हैं कि जीन के कैसे यहाँ पर होमोजाइगस स्थिति में है, हेटेरोजाइगस स्थिति में है। जैसे कि तीन पौधे आपको पीले बीज वाले दिखाई दे रहे हैं, तीन ऐसे पौधे मिले जिनमें कैसे हैं, पीले बीज है, ये F2 जनरेशन, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपने कहा तीन पौधे ऐसे थे जिन्हें पीले बीज आए थे, लेकिन तीनों में डिफरेंस यहाँ पर था, कैसे, आपने इस प्रकार से देखा, आपने कहा ये तो क्या है, होमोजाइगस येलो सीड वाला प्लांट है, ठीक है। आपने कहा ये दोनों जो है वो हेटेरोजाइगस येलो सीड वाला प्लांट है, और जो ग्रीन प्लांट आपके पास आया है वो कैसा है, यहाँ पर आपने कहा होमोजाइगस ग्रीन प्लांट है। तो आपने कहा कि जो जीनोटिपिक रेशियो है 1:2:1 है, लेकिन फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे हम देखते हैं, आपको जो दिखाई दिया आपने उसी के बेसिस पे जज किया और उसी के बेसिस पे रेशियो निकाला। तो आपने कहा तीन तो पीले बीज वाला पौधा है और एक क्या है, हरे बीज वाला पौधा, आपने कहा फिनोटिपिक रेशियो आपका 3:1 आया। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, एक संकर संकरण में जीनी प्रारूप जीनोटाइप का अनुपात क्या है, यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस द जीनोटिपिक रेशियो इज, आप कहेंगे जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 आपका जीनोटिपिक रेशियो आता है, अगर फिनोटिपिक रेशियो होता तो 3:1 होता, अगर डाईहाइब्रिड क्रॉस होता तो 9:3:3:1 होता। क्लियर है इतनी बात, एक बार अपने आंसर को चेक कर लीजिए। चलिए तो इतनी बात क्लियर है, सेकेंड क्वेश्चन आपका देखते हैं।
चलिए आंसर आपका आया था 1:2:1। सेकंड क्वेश्चन आपके पास आता है, मानव में 1 महीने की सहगर्भिता के बाद भ्रूण में निर्मित होता है, इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियो फॉर्म, यानी कि जब प्रेगनेंसी यहाँ पर हो गई है, स्टैब्लिश हो गई है प्रेगनेंसी, उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले जो एम्ब्रियो उसमें क्या बनेगा, हार्ट बनेगा, लिम्स बनेंगे, फिंगर्स बनेंगे, आईलेट्स बनेंगे। आपने कहा सबसे पहले यहाँ पे क्या बनेगा, हार्ट बनेगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, हार्ट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया, पोमेटो एक कायिक संकर है, यानी कि पोमेटो सोमेटिक हाइब्रिड बिटवीन, पोमेटो दो चीज के हाइब्रिडाइजेशन से बना है, संकरण से बना है। संकरण समझते हैं आप लोग, आपने कहा कि आपने दो चीजों के बीच में क्रॉस कराया है, दो अलग अलग वैरायटी, दो अलग अलग चीजें आपने ली हैं और दोनों के बीच में आपने क्रॉस करा दिया है, और उसे आप क्या कहते हैं, यहाँ पर संकरण कहते हैं या हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। दो अलग अलग चीजों का हाइब्रिडाइजेशन हुआ है और आपके पास पोमेटो आया है, तो पोमेटो क्या होगा, आपको नाम से ही पता चल रहा है, पोमेटो का अर्थ होगा यहाँ पर आलू या टमाटर के बीच का संकरण, टमाटर या पोस्ता के बीच का संकरण, आलू और कपास के बीच का संकरण, या टमाटर और केला के बीच का संकरण। इजी क्वेश्चन है, आप कहेंगे यहाँ पर पोमेटो का मतलब होता है पोटैटो और टोमेटो से, दोनों शब्दों को मिला करके क्या बना है, पोमेटो बना है। क्लियर है इतनी बार? ने जो आंसर है एक बार चेक कर लीजिए और आंसर को नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास आता है, क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे, परितंत्र के लिए ऊर्जा स्रोत है, यानी एनर्जी सोर्स ऑफ एन इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम है और आपको बताना है कि उसके लिए ऊर्जा स्रोत क्या है यहाँ पर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर परितंत्र की जब हम बात करते हैं तो आप बात करते हैं प्रोड्यूसर की, सबसे पहले उत्पादक की बात हम करेंगे, उसके बाद आप करेंगे प्राइमरी जो कंज्यूमर होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं यानी कि द्वितीय उपभोक्ता, टर्शरी कंज्यूमर होते हैं, तृतीय उपभोक्ता, इस प्रकार से आप पूरी जो पिरामिड है उसे पढ़ते हैं। अब आपने कहा कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, सबसे पहले बात कर लेंगे हम किसके बारे में, प्रोड्यूसर्स के बारे में, उत्पादक के बारे में हम बात कर लेंगे जो सबसे पहली श्रेणी में आते हैं किसी भी इकोसिस्टम के। ठीक है, किसी भी, यानी कि जब आप एक इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, आपने कहा सबसे पहले ग्रीन प्लांट्स आते हैं, यही क्या होते हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, और इन्हीं पर सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो निर्भर रहते हैं। लेकिन ये हरे पेड़ पौधे जब अपने भोजन का निर्माण कर रहे हैं, देखिए हम किस प्रकार से हरे पेड़ पौधों पर निर्भर है, हमने कहा तो सबसे पहले आपको डायरेक्टली क्या मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, लेकिन आपने कहा फूड आपको मिल रहा है, भोजन आपको मिल रहा है, बाकी अदर जो प्रोडक्ट है वो भी हम लेते हैं, जैसे कि आपने कहा लकड़ियां आपको मिल रही हैं, जैसे कि आपने कहा मेडिसिन आपको मिल रही है, जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर आपको गोंद मिल रहा है, आपका पेपर बनता है, रबर बनता है, ये सारे प्रोडक्ट आते हैं, लेकिन हम मेनली फोकस करेंगे दो चीजों पर, ऑक्सीजन और फूड पर। ठीक है, अब हमने कहा कि ऑक्सीजन आपको मिल रही है, फूड यहाँ पर आपको पौधों से मिल रहा है, कैसे मिला, जब पौधों की ग्रोथ और पौधों का डेवलपमेंट हो रहा है, छोटा सा पौधा था या फिर आप कहिए एक छोटा सा बीज आपने बोया, वो पौधा बना, उसमें वृद्धि हुई, अब उसमें क्या है, आपको अलग अलग प्रकार के भोज्य पदार्थ मिलेंगे, चाहे आप बात करेंगे यहाँ पे पल्सेस की, चाहे आप बात करेंगे यहाँ पे सीरियल्स की, चाहे आप बात करेंगे वेजिटेबल्स, चाहे आप बात करेंगे फ्रूट्स की, या फिर आप बात करेंगे बीजों की, दालों की, कोई भी आपको फूड मटेरियल मिल रहा है, वो कैसे मिला, जब उस पौधे की वृद्धि हुई वहां पर, यानी कि उसका डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, अब इस पौधे को अपने ग्रोथ अपने डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, इसे भी ऊर्जा चाहिए, इसे भी एनर्जी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अब इसे एनर्जी कहाँ से मिलेगी, जहां से हमें मिलती है, हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है, आपने कहा हमें भोज्य पदार्थ से ऊर्जा मिलती है, हरे पेड़ पौधों को भी भोजन से ऊर्जा मिलेगी। अब पौधों को क्या करना पड़ेगा, अपने भोजन का निर्माण करना पड़ेगा, तभी तो हम इसे स्वपोषी कह रहे थे। तो ये हरे पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण जब करते हैं तो क्या क्या चीजों की इनकी इनको आवश्यकता होती है, आपने कहा एक तो CO2 है, आपने कहा एक तो H2O है, आपने कहा एक तो क्लोरोफिल है जिसे आप हरित लवक कहते हैं, हरित लवक है, और आपने कहा सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, अब यहां पर आपको पूछा गया है ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो आपने कहा कि ऊर्जा का तो स्रोत हमारे पास क्या आएगा, सूर्य का प्रकाश आएगा, आएगा। ठीक है, सूर्य का प्रकाश ही यहाँ पर सबसे क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है अगर हम ऊर्जा के स्रोत की बात करें, तो आपने कहा आपके पास क्या ऑप्शन सही आएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर जो 3 आपका है
वो आपका बिल्कुल सही आएगा कि जो सूर्य है वो किसी भी इकोसिस्टम के लिए क्या है, ऊर्जा का स्रोत यहाँ पर आता है। इतनी बात क्लियर है? चलिए तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर, इतने आपके पास एमसीक्यूज आ गए हैं, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे एपोमिक्सिस की। क्या होती है एपोमिक्सिस, एक बार सोचिए क्योंकि क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं। चलिए तो अब हम क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, यहाँ पर एपोमिक्सिस की। क्या होती है एपोमिक्सिस, डेफिनेशन आपको बता रखी है, आपने कहा एपोमिक्सिस इज द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। एपोमिक्सिस बिना निषेचन के अलैंगिक बीज उत्पाद की प्रक्रिया है। ठीक है, क्लियर है? द प्लांट दैट ग्रो फ्रॉम दीज सीड्स आर आइडेंटिकल टू द मदर प्लांट। ऑब्वियसली बात है कि इन बीजों से उगने वाले जो पौधे होंगे वो मात्र कोशिका के समान होंगे, क्योंकि निषेचन नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर निषेचन होता तो सोर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल आपका अलग अलग होता। ठीक है, तो यहाँ पर निषेचन नहीं हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर एक ही पेरेंट शामिल था, इसीलिए आप क्या कह रहे हैं, अलैंगिक जनन का प्रकार इसे कह रहे हैं। इसके यूज क्या क्या होते हैं, उपयोग क्या होते हैं, आपने कहा इट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग सीड्स, यानी कि बीज उत्पादन की एक लागत प्रभावी विधि है। लेकिन आपको कहा गया है इट हैज ग्रेट यूज ऑफ प्लांट ब्रीडिंग व्हेन स्पेसिफिक ट्रेट्स ऑफ अ प्लांट हैव टू बी प्रिजर्व। सेकंड वाली जो लाइन है ध्यान से पढ़िए, आपने कहा कि पौधों के प्रजनन के लिए इसका बहुत उपयोग होता है। जब किसी पौधे के विशिष्ट लक्षणों को हमें संरक्षित करना हो, कोई एक ऐसा प्लांट है जो हमारे लिए बहुत यूजफुल है, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि किसी प्लांट की बहुत ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू है, आपको अधिक मात्रा में उसके बीजों की आवश्यकता है या फिर उसके प्रोडक्ट की आवश्यकता है। आपने क्या किया यहाँ पर, क्योंकि आपको सेम वही चाहिए, आपको ऐसा नहीं है कि आपको जेनेटिक मेकअप अलग अलग उसमें चाहिए, आपको सेम वही जेनेटिक मेकअप उसका चाहिए, आप क्या करा लेंगे, एपोमिक्सिस करा लेंगे। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। आरएनए पॉलीमरेज का कोई एक कार्य लिखिए। आपने कहा आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज आरएनए बाय फॉलोइंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, आरएनए का फॉर्मेशन करेगा डीएनए के स्ट्रैंड के द्वारा। आप जानते हैं कि डीएनए से ही क्या बनता है, आरएनए का फॉर्मेशन होता है। आरएनए पॉलीमरेज इज एन एंजाइम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉपिंग अ डीएनए सीक्वेंस इनटू आरएनए सीक्वेंस। क्या है यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज, है क्या यहाँ पर, आपने कहा एंजाइम है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डीएनए कॉपी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, किसमें, एन आरएनए सीक्वेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया के दौरान। ठीक है, तो डेफिनेशन एक बार चेक कर लीजिए आप लोग यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, एक नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि बीटी विष किस जीवाणु से निर्मित होता है, यानी कि बाय विच बैक्टीरियम बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो यही बता रखा है कि जो बीटी यहाँ पर टॉक्सिन है वो एक बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, क्वेश्चन ही आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा है। जब भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्वेश्चन कोई ना कोई नॉलेज आपको देता है, कोई ना कोई जानकारी आपको देता है, तो वो भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपसे पूछा जा सकता है बीटी विष किससे निर्मित होता है, ये किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निर्मित होता है, तो आप जानते हैं कि जीवाणु से क्या होता है, निर्मित होता है। अब आपने कहा बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस बीटी इज अ ग्राम पॉजिटिव। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में आपने पढ़ा है, क्या डिफरेंस होता है उसमें, आप लोग घर से पढ़ के लेके आएंगे कि क्या डिफरेंस होता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ठीक है, तो यहाँ पर बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस जिसे आप बीटी कह रहे हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरियम दैट सिंथेसाइज अ पेरिस्पोरल क्रिस्टलाइन इंक्लूजन कंटेनिंग अ क्राई एंड टाइट प्रोटीन। ठीक है, सम ऑफ विच आर टॉक्सिन अगेंस्ट अ वाइड रेंज ऑफ इंसेक्ट और ऑर्डर्स आर निमेटोड्स एंड ह्यूमन कैंसर सेल्स। आपको क्या बताया गया है, बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस बीटी ए ग्राम पॉजिटिव जीवाणु बनाने वाला जीवाणु है जो क्राय और साइट प्रोटीन युक्त पैरास्पोरल क्रिस्टलीय समावेशन को संश्लेषित करता है, जिनमें से कुछ कीट आदेश निमेटोड और मानव कैंसर कोशिकाओं के विशिष्ट श्रृंखला के खिलाफ जहरीले होते हैं। तो आप क्या समझे यहाँ पर, आप ये समझे कि जो बीटी आपका टॉक्सिन है वो किससे प्रोड्यूस होता है, बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस से।
आपका जो आंसर आएगा वो एक वोल्ट में भी यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन है, आपसे सिर्फ इतना पूछा गया बाय विच बैक्टीरियम बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस, आपका आंसर होगा बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस से। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहा गया है, जैव निम्नीकरण योग्य एवं जैव निम्नीकरण अयोग्य अपशिष्टों के कोई एक एक उदाहरण दीजिए, या आप लोग घर से करके लेके आएंगे, जनरल क्वेश्चन आपके पास आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सजीव प्रजक या जरायुज जंतुओं में भ्रूण का विकास व पोषण कहाँ और किसके द्वारा होता है, यानी कि वेर एंड बाय विच द डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिशन ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस इन विविपैरस एनिमल। 2 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आया है और बहुत इजी क्वेश्चन आपके पास आया है। विविपैरस और ओविपैरस समझते हैं आप लोग? ओविपैरस वो होते हैं जिनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, विविपैरस वो होते हैं जिनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है। आपको पूछा गया है कि जो विविपैरस हैं उनमें जो एम्ब्रियो है यहाँ पर, ठीक है, जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट और उसका जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ होता है। ठीक है, आंसर क्या आएगा आपका? कहाँ डेवलपमेंट आपने पढ़ा था? आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने क्या क्या ऑर्गन पढ़े हैं? कौन कौन से पार्ट आपके पास आए हैं? ये आपके पास दोनों साइड के आए हैं, फैलोपियन ट्यूब आई है, ठीक है, इसके अलग अलग पार्ट आए हैं। ये फिमरी वाला पोर्शन है, यहाँ पर क्या है वो भी आपके पास आई है, ठीक है। ये आपके पास क्या आया है? यूट्रस आया है, यूट्रस वाला पोर्शन आया है। अब आपने क्या पढ़ा? ये यहाँ पर एक्सेल होगी, एक्सेल को कौन रिसीव करेगा? आपकी फिमरी रिसीव करेगी। कहाँ पे जाएगी? आपने कहा एम्प्यूला वाले पोर्शन में जाएगी। एम्प्यूला वाले ही पोर्शन में आपका क्या होगा? आपने कहा फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया है। जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या हुआ? जाइगोट बन गया है। जाइगोट बन गया है तो जाइगोट में क्या होंगे? अब अलग अलग क्या होंगे? डेवलपमेंटल स्टेज आएंगी, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? सेल की पूरी वॉल मिल जाएगी। अब इस प्रकार से आपने यूट्रस की 3 वॉल पढ़ी थी, हम बात करेंगे किसकी? एंडोमेट्रियम की। क्या होगा अब एंडोमेट्रियम? यहाँ पर ये जो आपका डेवलपिंग जाइगोट है ये कहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा? यहाँ पर इम्प्लांट हो जाएगा, ठीक है, यूट्रस की वॉल में इम्प्लांट हो जाएगा। यहीं पर आप पूरा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है। तो क्लियर हो गया आपको कि कहाँ पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा? क्या आपने समझा? आपने कहा इन विविपैरस एनिमल कंप्लीट डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिशन ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस इन द यूट्रस ऑफ फीमेल। क्या कहा गया है कि विविपैरस प्राणियों में भ्रूण का पूर्ण विकास एवं पोषण मादा के गर्भाशय में होता है, इस वाले पोर्शन में, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या बोला? इट अकर्स बाय फॉर्मेशन ऑफ अ फिजियोलॉजिकल कनेक्शन कॉल्ड प्लेसेंटा बिटवीन मदर एंड फीटस। जो मदर है और जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, ये जो फीटस है, उसके बीच में जो कनेक्शन होता है वो क्या होता है? प्लेसेंटा होता है। आपने कहा यह माँ और भ्रूण के बीच एक शारीरिक संबंध जिसे प्लेसेंटा कहा जाता है उससे बनने से होता है। तो प्लेसेंटा ही क्या होगा? प्लेसेंटा से रिलेटेड क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था, आपने कहा था प्लेसेंटा ही रिस्पॉन्सिबल है किसी भी प्रकार के ट्रांसफर, जो मटेरियल का ट्रांसफर हो रहा है या जो ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे कि आपने कहा जो फूड है वो मदर से बेबी में किसके द्वारा जाएगा? प्लेसेंटा के द्वारा जाएगा। जो बेबी है यहाँ पर उसका जो अपशिष्ट पदार्थ है वो किसके द्वारा मदर में जा रहा है? प्लेसेंटा के द्वारा जा रहा है। इम्यूनिटी जो ट्रांसफर होती है वो प्लेसेंटा के द्वारा यहाँ पर होती है, क्योंकि दोनों का ब्लड मिक्स नहीं होता है, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो एक बार देखिए अपने आंसर को और नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आता है उसमें आपसे कहा गया है यौन संचारित संक्रमण से बचाव के कोई 2 उपाय लिखिए, यानी कि राइट एनी 2 रेमेडी टू प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। यहाँ पर आपको सिर्फ वो उन इन्फेक्शन की बात की गई है जो यौन संचारित रोग होते हैं, इनसे बचाव किस प्रकार से किया जाता है, ये क्वेश्चन आप घर से खुद करके लिख लेंगे, ठीक है, तो एक बार आप लोग देख लेंगे इसे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है उन नायक यानी कि प्रमोटर के कोई 2 कार्य लिखिए,
राइट एनी टू फंक्शन ऑफ प्रमोटर, क्या क्या फंक्शन होते हैं प्रमोटर के? आपने बोला द प्रमोटर इज अ रीजन ऑफ डीएनए, क्या है प्रमोटर? डीएनए का एक रीजन है, यानी कि डीएनए है आपका और डीएनए का कोई एक ऐसा रीजन है, एक ऐसी जगह है दैट एड इन द इनिशिएशन ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन एंड सर्व एज अ बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। यहां पर क्या होगा, जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस चल रही होगी तो ये क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज के लिए बाइंडिंग साइट प्रोवाइड कराएगा। क्लियर है इतना? क्या कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज के लिए बाइंडिंग साइट को कौन प्रोवाइड करा रहा है? प्रमोटर करा रहा है। द ट्रांसफर आरएनए ऑफ्टन नोन एज टीआरएनए एज अ टिनी क्लवर शेप्ड आरएनए दैट रीड्स द जेनेटिक कोड ऑन mRNA, ठीक है, क्लियर है। इसके अथवा में आपके पास क्वेश्चन आया है व्हाट इज टर्नर सिंड्रोम, क्योंकि आपने प्रीवियस लेक्चर में ही क्या पढ़ा है, टर्नर सिंड्रोम के बारे में बात की है, इसीलिए ये आपका होमवर्क में है, इस क्वेश्चन को आप लोग देख लेंगे। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हम कर चुके हैं उन क्वेश्चन के बारे में हम बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, जो नए क्वेश्चन हमारे पास आएंगे, नए जो टॉपिक हमारे पास आएंगे उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। चलिए अब आपके पास क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें कहा गया संक्रामक रोग एवं असंक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है आपका, 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्फेक्शियस डिजीज एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, सबसे इजी क्वेश्चन आपके पास आया है। आपको कहा गया है कि वो कौन से डिजीज है जो ट्रांसफर होती है एक व्यक्ति, आपको ये पूछा कि डेफिनेशन पूछी गई है संक्रामक और असंक्रामक। संक्रामक का मतलब क्या होता है, जो ट्रांसफर हो जाती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, ठीक है। असंक्रामक रोग क्या है, वो रोग जो कि ट्रांसफर नहीं होते हैं, जैसे कि संक्रामक रोगों में आप कॉमन कोल्ड को भी ले लेते हैं कि वो ट्रांसफर हो जाता है, और संक्रामक रोगों में आप कैंसर को लेते हैं कि वो इस प्रकार से ट्रांसफर नहीं होता है। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर खुद करके लेके आना है। क्या करना है, सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है कि संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग क्या होते हैं, और नीचे से एग्जाम्पल भी लिखनी है क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं संक्रामक रोगों के और असंक्रामक रोगों के। तो ये आपके लिए होमवर्क में है, आप लोग जितने भी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ वो आप लोग घर से करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।